स्वदेश स्मार्ट शहर में आपका स्वागत है। मैं हूं डिंपी कालरा। तो हमेशा की तरह एक और खास एपिसोड हम आपके लिए लेके आए हैं जो कि रियल एस्टेट को पूरी तरह से डेडिकेटेड है। और आज इस कार्यक्रम में हम देखेंगे सरकार के दो अहम पॉलिसीज़ हैं, एक पूरे देश के लिए है और एक एक स्टेट के लिए है। इन दोनों पॉलिसीज़ पर अपने रिपोर्टर्स को जोड़ के मैं आपके सामने ये खबर रखूँगा। साथ ही गुड़गांव की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक सिग्नेचर ग्लोबल ने भी दक्षिण के नाम से अपनी सबसे बड़ी टाउनशिप को लॉन्च कर दिया है। इसके फुटेज और मैनेजमेंट का क्या कहना है, कुछ खास तस्वीरों के साथ मैं आपके सामने ये खबर भी रखूंगा। साथ ही साथ अगर आपके कोई सवाल हैं तो उसका जवाब देने के लिए हमारे साथ आज अश्विनी फिर से होंगे और वो आपके सवालों का जवाब देंगे बीसीडी ग्रुप से, और उनसे हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा आज हम बातचीत करेंगे एक ऐसी रिपोर्ट्स के बारे में जो कि एनआरओ की आई है। अगर आपके मन में ये डाउट चल रहा है कि रियल एस्टेट क्या वापस रुक गया है, थोड़ा स्लो हो रहा है क्योंकि साल दर साल थोड़े सेल्स के नंबर कम आए हैं, तो इस रिपोर्ट से आपको काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा। आइए चलते कार्यक्रम की शुरुआत और सबसे पहले देख लेते हैं आज के हेडलाइंस। सुपरटेक के 14,000 फ्लैट बनाने का मामला मुश्किल में फंस रहा है। एनबीसीसी ने दिया था काम पूरा करने का प्रस्ताव, लेकिन मालिक ने मना किया, कहा उन्हें मौका मिले एक एक प्रोजेक्ट को वो पूरा कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, चेन्नई में 29% बढ़ी घरों की बिक्री। एनरॉक की रिपोर्ट के मुताबिक नए घरों के एब्जॉर्प्शन में 19% की कमी दर्ज की गई। सिग्नेचर ग्लोबल की दक्षिण टाउनशिप को शानदार रिस्पांस। कंपनी की सबसे बड़ी टाउनशिप में फ्लोर का किया अलॉटमेंट। साउथ गुरुग्राम में करीब 125 एकड़ में बना रही है प्रोजेक्ट। कोलकाता की प्रॉपर्टी मार्केट में जबरदस्त उछाल। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक स्टैंप ड्यूटी में कटौती के चलते अगस्त में करीब 50% बढ़ा प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन। बजट सत्र में उत्तराखंड सरकार की रियल एस्टेट नियम सख्त करने की तैयारी। पहाड़ी इलाकों में बड़ी नॉन रेजिडेंशियल जमीन खरीदना होगा मुश्किल। और रियल एस्टेट सेक्टर में संस्थागत निवेशकों का निवेश करीब 45% और बढ़ा। कॉलनियर की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से सितंबर के बीच लग्जरी घर और ऑफिस की डिमांड बढ़ने से निवेश में हुई है बढ़ोतरी। तो कार्यक्रम में हम सबसे पहले आज पॉलिसी पे बातचीत करेंगे क्योंकि दो अलग अलग पॉलिसीज की बात सामने आई है। पहला एक तो महाराष्ट्र को लेकर है जो कि अपने स्टेट के लिए एक पॉलिसी बना रहा है, और कुछ कुछ देश के लिए भी ऐसे ही रियल एस्टेट की कुछ पॉलिसीज़ बन रही हैं। इसलिए मैं अपने दोनों रिपोर्टर्स को साथ में जोड़ रहा हूँ ताकि इन दोनों पॉलिसीज़ के बारे में आपको जानकारी मिल जाए और आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि बड़े फ्रेमवर्क पर रियल एस्टेट के अंदर क्या क्या काम हो रहा है। दिल्ली से मेरे रिपोर्टर प्रकाश प्रियदर्शी मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो एक अहम जानकारी आपके सामने रखेंगे, और साथ ही साथ मुंबई से मैं अपने रिपोर्टर अनुराग शाह को जोड़ रहा हूं जो कि महाराष्ट्र को लेकर एक जो पॉलिसी फ्रेमवर्क बन रहा है रियल एस्टेट के रिगार्डिंग, उसमें क्या नया बदलाव हो रहा है, क्या नई चीज़ आ रही है, ये आप समझ पाएँ। पहले प्रकाश, मैं आपके पास आऊँगा, जरा बताएँ क्या जानकारी है आपके पास। देखिए, स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में फंसे जो होम बायर्स हैं उनके लिए राहत की खबर है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने सभी स्टेट से ये कहा है कि जो स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर बनी जो एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट थी उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए, और राज्यों के साथ चर्चा की शुरुआत जो है वो हो गई है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सेंटर ने सभी राज्यों से कहा है कि उनके यहाँ जो स्टॉल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए, उसके लिए जो रिकमेंडेशंस हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत की जाए। हालांकि कुछ राज्यों ने पहले ही जो कमेटी की रिपोर्ट है उसके हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत की है, कुछ रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट भी किया है, लेकिन इसमें कई ऐसी सिफारिशें हैं कमेटी की रिपोर्ट में जिसको कि इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो रहा है। लिहाजा इस मसले पर फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ चर्चा होगी। जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल अमिताभ कांत की अध्यक्षता में एक एम्पावर्ड कमेटी ने स्टॉल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को समय पर कैसे पूरा किया जाए, जो दिक्कतें आ रही हैं उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, उस मसले पर अपनी एक रिपोर्ट जो है वो हाउसिंग मिनिस्ट्री को सौंपी थी, और उसके बाद इन रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने की जो प्रक्रिया है वो जारी है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि हाउसिंग मिनिस्ट्री जो है जल्द ही इस मसले पर फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ बैठक करने वाली है, जिसमें कुछ ऐसे रिकमेंडेशंस हैं जिसमें कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का सहयोग चाहिए, आरबीआई का सहयोग चाहिए, उस मसले पर डिस्कस किया जाएगा। और जिसमें एक ये है कि सिफारिशों के हिसाब से जो इस तरह के स्टॉल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में जो होम बायर्स फंसे हैं उनको कैसे फ्रेश लोन दिया जाए, उस मसले पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ जो स्टॉल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रायोरिटी फाइनेंसिंग के दायरे में लाई जाए,
इस मसले पर भी वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा की जा सकती है। एक और सिफारिश है जिसके हिसाब से जो मिनिमम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है उसकी भी समीक्षा होगी, जो मौजूदा पॉलिसी है उसको भी रिव्यू किया जाएगा। प्रकाश शुक्रिया ये सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए। अब मैं अपने दूसरे रिपोर्टर के पास चलूंगा, वो है अनुराग शाह। अनुराग जरा बताएं महाराष्ट्र को लेकर क्या पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है रियल एस्टेट के अंदर। 19 सितंबर को इटिना सुदेश ने बताया था कि महाराष्ट्र सरकार अगले दो हफ्तों के अंदर नई हाउसिंग पॉलिसी लेकर आ रही है और उस खबर पर मोहर लगी है। 17 साल के इंतजार के बाद महाराष्ट्र सरकार की नई हाउसिंग पॉलिसी आ रही है और ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है मुंबई बेस्ड जो डेवलपर्स हैं उनके लिए, क्योंकि नई पॉलिसी के अंदर जो ड्राफ्ट सर्कुलर इशू हुआ है उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने की बात की गई है, इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी की बात की गई है, इंसेंटिव्स दिए जाएंगे अगर रेंटल हाउसिंग के जो जोन्स तैयार किए जाएंगे और जो रीडेवलपमेंट होगा वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए होगा। ये तमाम बातें जो है नई हाउसिंग पॉलिसी के ड्राफ्ट में कही गई है और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो ज़मीन एक्वायर की जाएगी वो सरकारी ज़मीन एक्वायर की जाएगी, जिस तरह से मुंबई के अंदर बड़े स्तर पर बड़ा लैंड बैंक है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का, सॉल्ट डिपार्टमेंट का, तो ये जो जमीन एक्वायर की जाएगी अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए और जो हाउसिंग की कमी है मुंबई और मुंबई के अलावा जो महाराष्ट्र के बड़े शहरों में, तो उसको पूरा करने के लिए और सब्सिडीज देने का भी जो मकसद रहेगा राज्य सरकार का। 3 अक्टूबर तक जो बाकी पक्षकार है उनसे सुझाव मांगे गए, यानी एक हफ्ते से भी कम का समय दिया गया है और जिस तरह से माना जा रहा है कि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में आचार संहिता लागू हो सकती है, तो वो मुमकिन है कि उससे पहले जो है वो सरकार पॉलिसी को लॉन्च भी कर दे और पॉलिसी इफेक्टिव भी हो जाए। तो बड़ा डेवलपमेंट, 17 साल बाद मुंबई के रियल स्टेट स्पेस के अंदर, महाराष्ट्र के रियल स्टेट स्पेस के अंदर जहां पर सरकार नई हाउसिंग पॉलिसी लेकर आई है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कार्यक्रम में ये हिस्सा बनकर ये बताने के लिए कि इस समय सरकार की पॉलिसी फ्रेमवर्क को लेकर क्या अप्रोच है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा मैं आपको एक खास प्रोजेक्ट की तरफ लिए चलता हूँ। आपको मालूम ही है कि गुड़गांव की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है सिग्नेचर ग्लोबल, उन्होंने दक्षिण नाम से अपना एक नया टाउनशिप को लॉन्च किया। ये सबसे बड़ी टाउनशिप है, साउथ गुड़गांव में है और साथ ही साथ 125 एकड़ में बन रही है। ये इस टाउनशिप की अलॉटमेंट प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अलॉटमेंट में सबसे पहले फ्लोर्स दिए जा रहे हैं। ये टाउनशिप के अंदर क्या क्या होगा, इसके दाम कैसे बढ़ सकते हैं, इसमें आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, या फिर इस टाउनशिप के बारे में और अच्छी अच्छी या फिर ऐसी चीज़ें जो क्रिटिकल चीज़ें हैं वो सब आपके सामने रख रहे हैं इस खास रिपोर्ट में। आपको सीधा इवेंट में ले चलता हूँ। एक मेगा टाउनशिप की अनाउंसमेंट्स हो रही है और ये अलॉटमेंट की मैं उस जंक्शन के अंदर हूँ जहाँ आप जो पीछे मेरी तस्वीरें देख पा रहे हैं, यही अपने आप में बयान करने के लिए बहुत है कि ये टाउनशिप किस कदर लोगों के बीच में बहुत ही फेमस हो रही है और नाम भी बड़ा खूबसूरत है, दक्षिण। और मेरे साथ सिग्नेचर ग्लोबल के चेयरपर्सन प्रदीप अग्रवाल जी हैं। सर थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। थैंक यू डिम्पी जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये सिग्नेचर ग्लोबल की मिक्स लैंड यूज़ की सबसे बड़ी टाउनशिप है और अगर मैं गुरुग्राम की भी बात करूं तो जिसमें DDGY के फ्लोर्स हैं, लग्जरी फ्लोर्स, इतने ज़्यादा लग्जरी फ्लोर्स सिंगल टाउनशिप में पहली बार किसी सोसाइटी में लॉन्च हुए हैं। एंड दूसरी बड़ी बात, इसकी लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है क्योंकि आप देखें आज जो सोना एलिवेटेड रोड है वो बहुत फेमस है, राजीव चौक से सोना तक की जो ट्रैवल टाइम है वो केवल 11 से 12 मिनट का है और ये उससे भी पहले जो टोल है वहां पर ही इसका फ्रंट लगता है। सो आप ये कह सकते हैं कि जो सिग्नेचर ग्लोबल है उसके क्राउन में एक बहुत बड़ा डायमंड है जो आज हमने ओपन किया है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि जिस तरीके से कस्टमर्स का बहुत ज़्यादा रुझान है कि किसी भी तरीके से एक यूनिट हमें मिले, तो सबसे बड़ी बात इसमें जो कैचमेंट है, एक तो जो इसका साइज है वो लगभग 1530 स्क्वायर फीट है और बेसमेंट एरिया है जिसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है जिससे लगभग 400 स्क्वायर फीट
बेसमेंट एरिया भी उस यूनिट वाले को मिलता है, और जो इसका प्राइस पॉइंट है वो 1,95,00,000 रुपए है। मुझे लगता है कि इस 2 करोड़ रुपए की जो टिकट साइज है, इसके अंदर इस टाइप की बड़ी टाउनशिप के अंदर फ्लोर मिलना अपने आप में बड़ी बात। इससे पहले कई प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, ये मेरे को लग रहा है आपकी पहली टाउनशिप है, लेकिन जो भीड़ मेरे को दिख रही है इस समय, जो पीछे दिख रही है, मेरे को लग रहा है तो आने से पहले हिट हो गई। एक्चुअली ये लोगों का प्यार है, और जो आपने कमाया इतने सालों में वो आपको वापसी मिल रहा है, कि जैसे अपने कहते हैं ना कि जो वो पेड़ लगाया था उसके फ्रूट खाने का समय आया है। वो इतने सालों की जो मेहनत है हमारी पूरी टीम की, लोगों ने जो प्यार दिया है, जो गुडविल हमने कमाई है, जो ब्लेसिंग्स लोगों की मिली हैं, तो स्टार्टिंग डे से एक ही जो थीम लेके चले हैं कि ईमानदारी से, सच्चाई से, और बहुत बढ़िया तरीके से लेके चलना सब चीज़ों को। लोगों ने बहुत ही, आज ये क्राउड जो लोग जो इतने प्यार से हम एक आवाज़ पे बुलाते हैं और लोग आते हैं, और किसी भी चीज़ को हम कहते हैं तो उस पर भरोसा करते हैं, ये वाली जो चीज़ हमने कमाई है, इस चीज़ का आज परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। ललित जी, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जैसे इसका नाम दक्षिण रखा, तो हम नॉर्थ की सबसे बड़ी कंपनी है, प्रोजेक्ट का नाम दक्षिण रखा, ऐसा क्यों? एक्चुअली क्या है, गुड़गांव एक्स फैक्टर जो है, इसमें क्या है कि सोना जो आने वाले समय के अंदर एक ऐसा एक्स फैक्टर है, और दक्षिण को कभी भी आप देख लो, दक्षिण हमेशा से रिच रहा है। आप कहीं भी देखेंगे पूरे वर्ल्ड में, आप देखेंगे दक्षिण जब भी आता है तो वो एक अमीरी की निशानी है, और कहीं ना कहीं लोगों को रिचनेस फील होती है दक्षिण के नाम में। तो हमने इसका नाम दक्षिण रखा, और लोगों ने बहुत इसको पसंद किया है, और ये आगे आने वाले समय का एक ऐसा अनलॉक एरिया है जो गुड़गांव के बाद बिल्कुल एकदम एस फैक्टर की तरह काम करेगा, और लोगों को बहुत ही, क्योंकि गुड़गांव में हमने पहले भी बहुत काम किया है, गुड़गांव में हमने दीनदयाल भी किए हैं, अफोर्डेबल भी किए हैं, और गुड़गांव बेल्ट पे जितना बड़ा काम हमने किया आज की डेट पे, और उसमें जो हमने लोगों की जो गुडविल कमाई, उसी का परिणाम हमें दिख रहा है कि आज की डेट में हम कुछ भी वहाँ लेके आते हैं तो लोग उस पर आँख बंद करके भरोसा करते हैं, और जिसकी आज नज़ारा आप देख रहे हैं। सर, नाम तो बहुत ही खूबसूरत रखा आपने, दक्षिण, और दक्षिण के बीच में मैंने एक और देखा कि एक्स बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ये एक्स फैक्टर क्या है? पहले दक्षिण के बारे में बात करूंगा मैं, दक्षिण मतलब साउथ, ठीक है, किसी भी जगह का, अब साउथ बॉम्बे देखें, साउथ दिल्ली देखें, सही है, अब कहीं पर भी साउथ देखें, ऑलवेज साउथ इज द रिचेस्ट वन, ओके, दैट्स दिस द प्रोजेक्ट ऑल्सो द रिचर वन, और ऑलवेज आपने देखा वो साउथ में हाइएस्ट ग्रोथ आती है, मुझे लगता है कि दक्षिण के अंदर वही चीज़ का रिफ्लेक्शन आएगा और लोगों के लिए ये शुभ और बेहतर होगा। दूसरा पॉइंट, एक्स फैक्टर, एक्स फैक्टर के अंदर मैं बात कहूँगा कि ये प्रोजेक्ट नहीं है, इट्स एन इकोसिस्टम, इट्स अ सिटी विद इन सिटी। एक जो 125 एकड़ का एक प्रोजेक्ट जो होता है, वो एक प्रोजेक्ट सिंपल नहीं होता कि वैसे कोई 10 एकड़ का या 5 एकड़ का एक प्रोजेकट है, जिसके अंदर प्रॉपर 125 एकड़ में अगर मैं इसको पेडेस्ट्रियन फॉर्म में करूं, अगर एक पर्सन अगर पैदल चलते हैं इस प्रोजेक्ट में, करीबन 22 किलोमीटर का फुटपाथ है इसके अंदर, इतना कुछ एक ही जगह पे, मतलब कि अगर कोई पर्सन अगर अपने प्रोजेक्ट में एंटर कर जाता है तो उसको अपनी गाड़ी लेके मॉल जाने के लिए दोबारा से गाड़ी लेके आने की बाहर जरूरत नहीं है, स्कूल जाने के लिए बच्चों को बस में छोड़ के आने की जरूरत नहीं है, वहीं पर जाके वो अपने गोल्फ कार्ट के अंदर स्कूल जा सकता है, मॉल जाना है तो वहीं पर फन फूड एंड फैशन वो भी वहीं है, चौथा ऑफिस भी वहीं पर है आपका, सिक्योरिटी, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल सब कुछ, यस, इस लिव वर्क एंड प्ले एंड रेजुविनेट रीएनर्जाइज ईच एवरीथिंग एट सिंगल प्लेस, कहीं पर और बाहर जाने की किसी को जरूरत नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जो ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे खास रिपोर्ट की जो कि एनरॉक की आई है, और साथ ही साथ बातचीत करेंगे बीसीडी ग्रुप के अश्विंदर से, जो कि आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो ब्रेक से पहले आपने समझा कि दक्षिण का प्रोजेक्ट कैसे है, जो सिग्नेचर ग्लोबल प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है, इसके अलावा आपने अनुराग से और साथ ही प्रकाश प्रियदर्शी से रियल एस्टेट में जो सरकार की पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसके बारे में भी जान लिया। अब इस सेगमेंट में
हम बातचीत करेंगे एनारॉक की एक रिपोर्ट की, जो रिपोर्ट ये बताती है कि जो 11% साल दर साल प्रॉपर्टी की डिमांड कम हुई है या सेल्स कम हुई है, उसका क्या मतलब है, किस वजह से क्या कम हुआ, किस किस जगह पर कितना फ़र्क पड़ा, खासकर 7-8 बड़े शहरों में, उसकी एक रिपोर्ट का आप थोड़ा आंकलन कर लीजिए। तो रियल एस्टेट के अंदर एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है एनारॉक की। उस रिपोर्ट से एक चीज़ समझ में आ रही है कि इस समय जो सेल्स के नंबर आए हैं 7 शहरों के, उसमें सेल्स के नंबर कम हुए हैं। क्या ये रियल एस्टेट के ठहराव की पहली पहचान है? क्या अब रियल एस्टेट रुकेगा? वो जो बूमिंग आंकड़े आ रहे थे सारे के सारे, क्योंकि उस रिपोर्ट से ये पता लगा कि देश के जो टॉप 7 सिटीज़ हैं, इंक्लूडिंग MMR, इंक्लूडिंग NCR, पुणे, कोलकाता, हैदराबाद, जो ट्रेंडिंग मार्केट्स हैं रियल एस्टेट की, उनके अंदर Q3 यानी कि तीसरी तिमाही में 2024 की सेल्स का डिप हुआ है 11% साल दर साल। 2023 की तीसरी तिमाही से लेकर 2024 की तीसरी तिमाही तक सेल्स में डिप आया 11% का। तो इसके पीछे वजह क्या है? क्या इसके पीछे प्राइस वजह है, इसके पीछे सप्लाई वजह है कि सप्लाई नहीं आ रही है, इसके पीछे क्या एक्सेस सप्लाई वजह है, एक बार ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता ही है कि Q3 के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर सेल्स टिपिकली थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, लेकिन Q4 और Q1 के अंदर उनके सेल्स का पिकअप रहता है। तो Q4 स्पेशली काफ़ी अच्छे सेल्स के नंबर लेके आता है, तो उससे पहले थोड़ा स्लगिश मिलता है आपको Q3 यानी कि तीसरी तिमाही जो होती है। ये अकाउंटिंग प्रोसीजर के हिसाब से मैं रियल एस्टेट के नंबर आपके सामने रख रहा हूँ। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, क्या सभी शहरों में ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं है। अगर आप मुंबई और पुणे जैसी मार्केट्स चेक करेंगे तो वहाँ पर ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ और सिटीज़ चेक करेंगे तो वहाँ पर ऐसा है। तो मैं एक एक करके आपके सामने आंकड़े रखता हूँ। सबसे पहले मैं प्राइस पे ही आता हूँ। देखिए, 3-4 चीज़ें मार्केट के अंदर चीज़ें प्रिवेल करती हैं, फर्स्ट प्राइस, सेकंड डिमांड, थर्ड सप्लाई। तो ये चीज़ें रियल एस्टेट की पूरी पिक्चर को ड्रॉ करेगी। तो पहले मैं रियल एस्टेट की एक नंबर पे आता हूँ, जिसके कहते हैं सिटी वाइज इस समय प्राइजेस कैसे कैसे बढ़े हैं। तो मैं आपको अगर प्राइस ट्रेंड बताऊँ तो पिछले तिमाही से अगर कंपेयर करूँ Q2 और Q3, तो उसके अंदर NCR के अंदर दाम बढ़े 6%, MMR यानी कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है उसके अंदर दाम बढ़े 4%, बेंगलुरु के अंदर 4, पुणे के अंदर 3, हैदराबाद के अंदर 3, चेन्नई कोलकाता के अंदर भी करीब करीब 3-4% के आसपास दाम बढ़े हैं। यानी कि 1-3 महीने खत्म होने के बाद जब दूसरे 3 महीने आए तो उसके अंदर दाम आपके करीब 3-4% बढ़े। लेकिन अगर मैं इसको साल दर साल कंपेयर करूं, यानी कि पिछले साल 2023 के कंपैरिजन में डालूं, तो करीब 29% दाम बढ़े हैं दिल्ली NCR के अंदर। MMR के अंदर यानी कि मुंबई के आसपास के एरिया के अंदर दाम बढ़े हैं 24%। सबसे बढ़िया दाम बढ़े हैं 29% बेंगलुरु के अंदर, वैसे वो स्टेबल मार्केट कही जाती है। पुणे, हैदराबाद, चेन्नई के अंदर भी दाम 16-32% के आसपास बढ़े हैं। तो ये तो ब्याह कर रहा है कि आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर और साल दर साल आपके प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे हैं। यही बढ़ते हुए दाम कई बार थोड़ा स्लो कर देते हैं बाजार की खरीद को। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आते हैं हम सप्लाई पे कि सिटी में सप्लाई कितनी कितनी हुई। वही मैं 7 सिटीज़ ले रहा हूँ, दिल्ली NCR, MMR, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई वगैरह, इस 7 सिटीज़ को मैंने लिया। इसके अंदर मैं अगर आपको बताऊँ तो सप्लाई भी कम हुई है और दाम भी बढ़े हैं। तो एक ये भी चीज़ है कि जिसकी वजह से सिटी के अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही है। एक तो सप्लाई आपके पास नहीं, यानी कि आपके पास चॉइस कम हो गई। दूसरा, आपके दाम बढ़े हैं। तो दाम बढ़ना और सप्लाई कम होना, ये टोटल सेल्स की गिरावट का प्रमुख कारण बना। इसके अलावा मॉनसून, इसके अलावा और सारी तमाम सारी चीज़ें, वो सब अलग हैं। आते हैं कि सिटी में सप्लाई कितनी कितनी हुई। अगर NCR की बात करें तो पिछले तिमाही से यानी कि तीसरी तिमाही से दूसरी तिमाही को कंपेयर करोगे तो 17% सप्लाई कम हुई है। यानी कि जो नए फ्लैट्स आए हैं या नई इन्वेंट्री आई है मार्केट की, वो 17% कम हुई है। लेकिन अगर आप पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो 53% फ्लैट ज़्यादा बने हैं, यानी कि मकान आपके ज़्यादा बने हैं। अगर आप मुंबई की अगर बात करें तो 33% सप्लाई कम हुई है तिमाही दर तिमाही, यानी कि Q2 से Q3 के बीच में। लेकिन अगर आप इसको पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो 18% की सप्लाई मुंबई में भी कम हुई है। तो ये अलग अलग मार्केट्स हैं,
आप दिल्ली NCR के अंदर जहाँ पे साल दर साल बहुत अच्छी सप्लाई बढ़ी, लेकिन मुंबई के अंदर साल दर साल घटी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही प्रमुख शहरों के अंदर सप्लाई में कमी आई है। पुणे का मार्केट भी कुछ कुछ ऐसे ही है, वहाँ तो 34% की सप्लाई कम हुई है, साल दर साल 50% की सप्लाई कम हुई है। चेन्नई की मार्केट थोड़ा ही अलग है, अभी पिछले 1.5 तिमाही से वहाँ पे सप्लाई कम हो गई है 11% की, यानी कि नए फ्लैट्स वगैरह यूनिट्स वगैरह आ रही हैं वो कम हुई हैं, लेकिन अगर साल दर साल देखेंगे तो 51% बढ़ी है। अब आते हैं जरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, वो है कि एब्जॉर्प्शन पे, यानी कि कितनी ज़मीनें खरीदी गई या कितनी चीज़ों पे एक्विजिशन किया गया या उस पे पोजीशन लिया गया। तो अगर आप दिल्ली NCR में देखोगे तो 6% पोजीशन कम हुआ, साल दर साल 2%, मुंबई के अंदर करीब 13% क्वार्टर ऑन क्वार्टर का पोजीशंस कम हुए और साल के अंदर 6%। इस पूरी रिपोर्ट ने एक चीज़ साफ कर दी है कि जो हेडलाइंस हम बना रहे हैं, हेडलाइंस आपके सामने आई कि भाई तीसरी तिमाही के अंदर सेल्स में साल दर साल 11% की कमी आई है, ये पूरी तरह से रैशनल नहीं है। ये बात सच है कि पिछला साल 2023 का बहुत ज़ोर से चला, उससे क्या हुआ, इन्वेंट्री ख़त्म होगी और प्राइस बढ़ गए, जिससे कि जब आप 2024 की आप तीसरी तिमाही के अंदर आए वहाँ पर आके ये प्रॉब्लम से दो दो हाथ करना पड़ा। तो इसलिए अगर आप पिछले साल से कंपेयर कर रहे हैं तो स्थिति में बात सच है कि सप्लाई में और प्राइस के एक्शन की वजह से स्थिति थोड़ी नाजुक हुई, लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेक कर रहे हैं तो स्थिति में वैसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो एक इंपॉर्टेंट रिसर्च रिपोर्ट थी जो हमने आपके सामने रखी। तो ये रिपोर्ट तो आपने देख ली है, लेकिन अब आपके सवालों का जवाब देने के लिए अश्विंदर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत और उनसे जरा ये समझते हैं कि इस समय जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके वो क्या जवाब देते हैं। तो सवाल जब आपके सिलसिले को शुरू करते हैं और आपकी तरफ से जो हमको क्वेश्चंस मिल रहे हैं उसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करेंगे। और पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, दिल्ली NCR से जुड़ा हुआ है। सर, दिल्ली NCR में कहाँ पे निवेश करना ठीक रहेगा? एक्चुअली में जिन भाई साहब ने ये क्वेश्चंस पूछा है उनका बजट करीब करीब 50 लाख का है, वो ओपन एंडेड हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली में वो कहीं भी निवेश कर सकते हैं दिल्ली NCR में, वो चाहे कमर्शियल है, रेसिडेंशियल है या फिर कोई लीजिंग वाली प्रॉपर्टी है, जरा गाइड कीजिए सर आप। देखिए, दिल्ली NCR में 50 लाख के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए रियल एस्टेट में अपॉर्चुनिटीज काफी कम होंगी, प्राइसेस बहुत बढ़ चुकी हैं। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं किसी लैंड का या डेवलपर क्वालिटी का, वो मैं एडवाइज नहीं करूंगा। अगर वो ऐसी माइक्रो मार्केट है जहां पर अभी भी अवेलेबल है, मुश्किल लगता है, तो आपको थोड़ा बजट बढ़ाना पड़ेगा। बट दिल्ली NCR एक अच्छी मार्केट है जहां पर इन्वेस्ट किया जा सकता है। सर, दूसरा क्वेश्चन जो आया भी काफी इंटरेस्टिंग है, इनफैक्ट बोलूंगा तो मेरा क्वेश्चन भी है जो हमारे एक व्यूअर ने पूछा है, क्या पहाड़ों में होम स्टे के लिए निवेश कर सकते हैं? उनका मानना है कि उनके पास कुछ सरप्लस मनी पड़ी हुई है और वो होम स्टे के तौर पर कुछ प्रॉपर्टी पहाड़ों में लेना चाहते हैं। पहला तो ये आइडिया कितना ठीक है, क्या आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में बैठ के होम स्टे चलाए जा सकते हैं, इजीली चलाए जा सकते हैं, और इससे जुड़ा हुआ कितने पैसे की जरूरत होगी और क्या क्या इसके लिए हमको करना होगा? देखिए, होम स्टे अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, टूरिज्म के अंदर इस समय बहुत तेजी है, इंडियन डोमेस्टिक टूरिस्ट इटसेल्फ बहुत ज्यादा हो गया है, और अपॉर्चुनिटी के हिसाब से आप एक 100 गज की जमीन भी खरीद सकते हैं, 500 गज की जमीन भी खरीद सकते हैं, आप एक बेडरूम सेट का होम स्टे भी बना सकते हैं, 2 बेडरूम 3 बेडरूम सेट का भी बना सकते हैं। हर तरह के टूरिस्ट हैं आजकल की डेट में, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लोग होम स्टेज में रहना चाहते हैं, दे आर मोर कंफर्टेबल देयर, और उसका बजट डिपेंड करता है आप शिमला में बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, या कसौली में बना रहे हैं, सोलन में बना रहे हैं, उसी हिसाब से आपका बजट चेंज हो जाता है। साउथ के अंदर आप ऊटी में जाना चाहते हैं, कूर्ग में जाना चाहते हैं, देर आर मल्टीपल प्लेसेस जहां पर पहाड़ों पर होम स्टे बन सकता है। आई फील बजट इस तरह से बताना बहुत मुश्किल है बिकॉज लैंड की कीमत हर जगह बहुत अलग अलग है, बट कूर्ग के अंदर आपको एक 500 गज की जगह तो नहीं मिलेगी, बट बहुत छोटी हो जाएगी, बट कूर्ग जैसे हिल स्टेशन में अगर आपके पास 50 लाख का भी बजट है तो आप एक अच्छा सा 2 बेडरूम का होम स्टे बना सकते हैं अपनी जमीन पर, जो मे बी 2000 गज की जमीन के अंदर आ जाए, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
सर तीसरा क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा हटके क्वेश्चन है। एक्चुअली में सीधा निवेश करना चाहते हैं रियल एस्टेट के अंदर, बट ये रियल एस्टेट की कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहते। ये कह रहे हैं कि रियल एस्टेट के जो थेमेटिक फंड्स हैं, जो बाजार में थीम बेस्ड फंड्स चल रहे हैं, क्या उसमें निवेश कर सकता हूँ इस समय में? और थोड़ा इनको आप टाइम फ्रेम भी बताइएगा, और ये भी बता दीजिएगा कितनी रकम के साथ ये शुरू करें और कितना निवेश ये कर सकते हैं, कितने साल तक निवेश करें। ये एक अच्छा कॉर्पस बनाना चाहते हैं, बट रियल एस्टेट सीधा ना खरीद के फंड्स के फंड्स में पैसा लगाएंगे, वो भी SIP के जरिए। आई डोंट थिंक आप रियल एस्टेट के अंदर SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो रियल एस्टेट फंड्स होते हैं। और दूसरा, रियल एस्टेट फंड्स की एक मिनिमम टिकट साइज होती है। रियल एस्टेट फंड्स जो है वो HNIs के लिए बने हैं, जिसके अंदर एक मिनिमम टिकट साइज होती है 50 लाख से लेके, कई रियल एस्टेट फंड में मिनिमम 1 करोड़ डालना पड़ता है, कईयों में मिनिमम 5 करोड़ डालना पड़ता है। अपॉर्चुनिटी अच्छी है इस समय, मार्केट्स रेजिडेंशियल की बहुत तेज हैं। रियल एस्टेट फंड्स अच्छी ड्यू डिलीजेंस करके उन प्रोजेक्ट्स के अंदर डालते हैं जिनके अंदर उन्हें पता है वैल्यू अच्छी मिल रही है, और बाद में उनको एक 20-30% की रिटर्न मिल सकती है। इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, बट ये HNIs के लिए है। जब आप अपना डेट में, एक्विटी में, गोल्ड में इन्वेस्ट कर चुके हो और डाइवर्सिफाई करना चाहते हो अपना पोर्टफोलियो, देन यू कैन लुक एट रियल एस्टेट फंड, बट इट इज फॉर HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद आप अगला कार्यक्रम देख पाएंगे। और इसी तरह से हर सप्ताह हम आपके लिए स्वदेश स्मार्ट शहर का एक कार्यक्रम लेके आते रहेंगे, जिसमें रियल एस्टेट से जुड़ी हुई तमाम इंपॉर्टेंट खबरों को, ट्रेंडिंग खबरों को, प्रोजेक्ट लॉन्च को और प्रोजेक्ट्स को हम आपके सामने दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।